ध्वनि और लेखन के विविध संबंध है। भाषा का उच्चरित रूप भाषा का वास्तविक रूप है, लेखन इसका प्रतिरूप है। लिखित भाषा उच्चरित भाषा के सभी तत्वों को नहीं दिखा पाती, लेकिन लिपि के माध्यम से भाषा के उच्चारण तत्व को समझना आवश्यक हो जाता है, जिससे हम भाषा का सही उच्चारण कर सके। लिपि की सहायता से हम ऐसे स्थलों को निर्दिष्ट कर सकते हैं। हिंदी में ए और ओ मूल स्वर हैं, लेकिन गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि भाषाओं में हम इसका भिन्न उच्चारण देखते हैं। वहाँ उच्चारण क्रमशः ऐ या ऐ ऐ और औ या औ के समान होता है। हिंदी लिपि में दिखाया जाए तो तमिल भाषी औरत को औरत और पैसा को पैसा बोलता है। हिंदी में भी उच्चारण है, लेकिन सीमित संदर्भ में। उदाहरण देखिए, वर्ण ए उच्चारण ऐ, मैया, सैयद, तैयार, रैयत, ए आसी, मैयत। वर्ण ओ उच्चारण औ, कौवा, यौवन, चौवन, मनोवल। क्या आप पहचान पाए कि यह विशिष्ट उच्चारण क्यों और कहाँ होता है? य से पहले ए तथा व से पहले ओ का उच्चारण बदल जाता है। लिपि ए तथा ऐ स्वर के दोनों उच्चारणों में अंतर नहीं दिखाती, लेकिन हम ऊपर बताए नियम से उच्चारण के अंतर को समझ सकते हैं। इसी तरह अ का उच्चारण निम्नलिखित शब्दों में कुछ ऊपर का उच्चारण हो जाता है, कुछ ह्रस्व ए के समान। आप गौर करेंगे तो उच्चारण के इस अंतर को स्वयं ही समझ सकेंगे। कहना, पहला, रहमान, अहमद, पहचान, शहरी, पहलू, शहर, नहर, ठहरो, ठहरना, लहर, चहकना, चहल पहल। इन शब्दों का उच्चारण करके आपने अनुभव किया होगा कि ह से पहले अ का उच्चारण कुछ अलग हो जाता है। अब आप आगे से रेडियो सुने या टीवी देखे तो ऐसे शब्दों का विस्तृत सूची बनाने का प्रयास करें। अब आप यह भी जानने की कोशिश कीजिए कि निम्नलिखित शब्दों में शुरू में कौन सा उच्चारण है। महा, कहावत, सहरा, सहारा, नहाना, पहाड़, कहानी, महिमा, अहिर, सहूलियत, सहोदर, बहु, बहुत। फिर इन शब्दों को उच्चारण के लिए अपना नियम दीजिए। उच्चारण की भिन्नता के कारण वर्तनी की समस्याएं। क्या हम उच्चारण की इस विशेषता को वर्तनी में भी देखते हैं? हाँ, तैयार को कुछ लोग तैयार के लिखते हैं, कुछ तैयार। अयासी और एयासी दोनों रूप प्रचलित हैं। आप हमेशा तैयार एयासी लिखे तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। कहना जैसे शब्दों में संदर्भ में हमें वर्तनी के विविध रूप मिलते हैं, जैसे सिर्फ अ, कहना, लहर, सहर, रहन, सहन, पहलू, ठहरना, लहंगा। सिर्फ ए, मेहमान, रहें, रेहन, सेहत, चेहरा, बेहतर, तेहरान। अ या ए, आसान, एहसान, रहन, रेहन, जहन, जेहन। इनके अलावा वहन, पहला, पहचान आदि मानक शब्दों के लिए हिंदी के कुछ क्षेत्रों में बहन, पहला, पहचान आदि रूप भी मिलते हैं। ध्वनि लिपि के सूक्ष्म शब्दों को पहचानना भाषा का सही प्रयोग के लिए आवश्यक है। उच्चारण में अंतर, लिपि में अंतर। हम यह कहते आए हैं कि लिपि उच्चारण की विशेषताओं को प्रकट करती है। शब्दों का उच्चारण सब जगह एक जैसा नहीं होता। सब निर्माण की प्रक्रिया में कभी कभी आसपास की ध्वनियों को कारण उच्चारण बदल जाता है और लिपि उन्हें प्रस्तुत करती है। हम आगे हिंदी के दो उपसर्गों से बने कुछ शब्दों को देखेंगे, जिनके उच्चारण परिवर्तन को आप देख सकते हैं और साथ साथ लिपि के माध्यम से इन्हें प्रकट करने के तरीके को भी देख सकते हैं। उपसर्ग, उत, ऊपर, उत, योग, उद्योग, उत, उद्धत, उद्धत, उत, लास, उल्लास, उत, मत, उन्मत, उत, घाटन, उद्घाटन। उपसर्ग सत, अच्छा, सतचित, सचित, सतवाणी, सदवाणी, सतगुरु, सदगुरु, सतजन, सज्जन, सतशास्त्र, सच्छास्त्र,
शब्द रचना की इस विशेषता को संधि का नाम दिया जाता है। भाषा विज्ञान में इसे समीकरण कहते हैं, अर्थात कुछ दृष्टियों से दोनों ध्वनियों का समान हो जाना। ऐसे स्थलों को पहचानने से हम शब्द रचना से परिचित हो सकेंगे और शब्द के सही अर्थ को पहचान सकेंगे। रचना का नियम जानने पर हमें वर्तनी और उच्चारण का भी सही ज्ञान होगा। ध्वनि और लिपि में असामंजस्य। हमने ऊपर कहा था कि हिंदी को वैज्ञानिक भाषा माना जाता है क्योंकि इसमें प्राय जैसे बोला जाता है वैसे लिखा भी जाता है। हमने प्राय कहा है, इसका मतलब यह है कि इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं। इन अपवादों के कई कारण हैं, जैसे संस्कृत भाषा से सौ ध्वनि हिंदी में आई थी लेकिन उच्चारण परिवर्तन के कारण यह ध्वनि अब समाप्त सी हो गई है। आज कुछ लोग हिंदी में सौ लाभी से मुदन्नी से दोनों का एक जैसा उच्चारण करते हैं। आज यदि चाहे तो इनके उच्चारण में भेद भी किया जा सकता है। तलाबी सा तलाबी है जिसे बोलने में जीभ तालु से लगती है और ता सा जीभ तालु से लगती है, जैसे सा सा मृदु मूर्धनी ध्वनि है जिसे बोलने में जीभ तालु से पीछे मूर्धा से लगती है। सा उच्चारण में अंतर न कर सकने के कारण ज्यादातर सीखने वाले छात्र इन दोनों वर्णों के सही प्रयोग को समझ नहीं सकते और इस कारण गलतियां करते हैं। इस तरफ संस्कृत से आए दो और वर्ण री ग्य, जिनके मूल उच्चारण को हम आज नहीं जानते, हम क्रम से इन्हें री ग्य के रूप से उच्चारित करते हैं, इसीलिए बहुत से छात्र विज्ञान को विज्ञान का लिखते हैं। इसी तरह संस्कृत से आया हुआ एक और वर्ण है छ, जिसके उच्चारण की एक विशेषता यह एक वर्ण है लेकिन उच्चारण के स्तर पर दो ध्वनियां क स, हमें ऐसे स्थानों पर ध्यान देना चाहिए जहां उच्चारण और लेखन में सामंजस्य नहीं है। इन स्थलों पर होने वाले वर्तनी दोषों को दूर करने के लिए विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उच्चारण के संदर्भ में एक और कठिनाई है, हिंदी भाषा क्षेत्र बहुत बड़ा है इसलिए क्षेत्र विशेष के अनुसार भी उच्चारण के विविध रूप दिखाई पड़ते हैं। जैसे कुछ जगहों में लोग स को स स बोलते हैं और कुछ जगहों में लोग व के स्थान पर ब बोलते हैं। उच्चारण की इस क्षेत्र विशेषता के कारण उनकी भाषा में अर्थ भेदकता आ जाती है। ऐसे लोग शाम शाम या साल साल में अंतर नहीं करते। ऐसी क्षेत्रीय भिन्नताओं के कारण भी छात्रों में वर्तनी दोष दिखाई पड़ते हैं। जिस जगह तरह से हिंदी की लिपि के मानक स्वरूप की कल्पना की गई है और मानक रूप देने का यत्न किया गया, उसी तरह यह भी आवश्यक है कि हम हिंदी के मानक उच्चारण का स्वरूप निर्धारित करें। अंग्रेजी में इस प्रकार का प्रयत्न हो चुका है, रिसिप्ट प्रोनाउंसिएशन नामक मानक उच्चारण स्वीकृत है। शायद वह दिन दूर नहीं जब हम हिंदी के उच्चारण का मानक रूप दे और स्कूल कॉलेजों में शिक्षार्थियों को भाषा के मानक उच्चारित रूप से परिचित करा दें। बहुत प्रश्न, नीचे लिखे प्रश्नों का हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। भाषा का लिखित रूप उसका मूल या वास्तविक रूप है। शब्द निर्माण में सबसे अधिक प्रयोग ध्वनियों की पड़ती है। भाषा के उच्चारण तत्वों को लिपि के माध्यम से पूर्ण रूप से समझा जा सकता है। हिंदी की लिपि के मानक स्वरूप की भांति हिंदी का मानक उच्चारण का स्वरूप भी निर्धारित होना चाहिए। दो ध्वनियों के साथ में आने पर कुछ हद तक समरूप हो जाने को भाषा विज्ञान में समीकरण कहते हैं। उपसर्ग से शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के बीच में लगकर उसे नया अर्थ प्रदान करते हैं। नीचे लिखे शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द लिखिए, उत्मिलित, उत डयन, उत शिष्ट, उत नयन, उत मूलित, उत नति, उत लेख, उत निहित। सत आचार, सत चरित्र, सत भावना, सत विचार, सत चय, सम सार, सम धी, सद दिक विजय। सारांश, इस इकाई में आपने हिंदी के ध्वनियों के विषय में पढ़ा। आपने जाना कि भाषा में ध्वनियों का बहुत महत्व अधिक है। जब हम बोलते हैं तो हम उसमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियों का ही प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हमें शब्द निर्माण में सबसे ज़्यादा जरूरत ध्वनियों की ही पड़ती है। इस दृष्टि से प्रस्तुत इकाई में आपने ध्वनि के संबंध सूत्रों में निम्नलिखित जानकारी हासिल की। हिंदी प्राय जैसे बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है। उच्चारण और लेखन की अनुरूपता के कारण हिंदी को वैज्ञानिक भाषा माना जाता है। यदि किसी शब्द में एक ध्वनि भी बदल दी जाए तो उसका अर्थ बदल जाता है।
ध्वनियों का महत्व उसके उच्चारण के कारण है। कहने वाला जो बात कहता है सुनने वाला वही बात सुनता है, ऐसा न होने पर भ्रम उत्पन्न हो जाता है और संप्रेषण नहीं होता। इससे हम उच्चारण के अंतर को पहचानने में समर्थ होते हैं। हिंदी भाषा का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, इसलिए अलग अलग स्थानों पर कुछ ध्वनियों के उच्चारण में अंतर आ जाता है। आपने इकाई में विभिन्न स्वर और व्यंजनों के उच्चारण संबंधी नियमों का अध्ययन किया है। इसके साथ साथ हर्ष और दीर्घ स्वरों के उच्चारण के और घोष अघोष अल्प प्राण महाप्राण नासिक के कंठ तालव्य आदि जन्य उच्चारण संबंधी विशेषताओं को पहचाना। आपने उच्चारण के आधार पर वर्तनी की कुछ विशेषताओं का भी अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त आपने हिंदी में अन्य भाषाओं से आई ध्वनियों का परिचय भी प्राप्त किया। अनुतान या लहजा अर्थात बोलने के ढंग की संक्षिप्त जानकारी के साथ ही आपने ध्वनि और लेखन के संबंधों तथा शब्द रचना के नियमों की जानकारी भी प्राप्त की। कुछ उपयोगी पुस्तकें डॉक्टर भोलानाथ तिवारी हिंदी की ध्वनि रचना साहित्य सहकार कृष्णा नगर दिल्ली। बहुत प्रश्नों का उत्तर, बहुत प्रश्न गलत, एक गलत, दो सही, तीन सही गलत, पाँच गलत, दो का एक ध्वनियाँ, दो अनुदान लहजा, तीन अर्थ अंतर विराम, पाँच घोषत्व, तीन का क म ई ई, तीन का ए ओ म प स र ख ट क ग स च अ च अ आ आ आ अ आ अ ओ ई स र रि अ आई म व नहीं अ नहीं अहा हा नहीं उन्मिलित उन्मिलित उड्डयन उच्छिष्ट उन्नयन उन्मूलित उन्नति उल्लेख सन्निहित सदाचार सच्चरित्र सद्भावना सद्विचार संचय संसार संधि दिग्विजय। पूरा हुआ। अब अगले भाग में हम हिंदी का प्रयोजन स्वरूप पढ़ेंगे। अब तक के लिए धन्यवाद।